हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडे वी कुक चाइनीज क्यूजिन अपार्ट फ्रॉम अ डेली फूड्स। इफ यू लव दिस रेसिपी, मेक श्योर यू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन। सो गाइस, आज हम बनाने वाले हैं मंचूरियन। सो हम जल्दी से देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें लगने वाली हैं। हमें लगने वाले हैं, हमने लिया है गाजर और पत्ता गोभी, हमने इसको कद्दूकस कर लिया है। और फिर उसके बाद हमें लगेगा, हमें प्याज ऐसे लंबे लंबे काटने हैं और शिमला मिर्च को भी हमको सेम वैसे ही काटना है। और हमने इधर अदरक और लहसुन की पेस्ट कर ली है। सॉसेस लगने वाले हैं हमें, डार्क सोया सॉस, विनेगर, ग्रीन चिली सॉस, रेड चिली सॉस और टमाटो केचप। और मेन इंग्रेडिएंट सेजवान चटनी हम इसमें डालेंगे ताकि तीखापन आए। मंचूरियन बॉल्स को तलने के लिए हम अभी तेल रख देते हैं गर्म करने के लिए। हमने इसमें 2 बड़े चम्मच जितना तेल डाला है। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, देन 1 बड़ा चम्मच जितना नमक, और हमने अदरक और लहसुन की जो पेस्ट की थी वो हमें इसमें ये थोड़ा सा ही डालेंगे, बाकी ग्रेवी के लिए रखेंगे। और फिर अभी हम नेक्स्ट इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच जितना मैदा, ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए, बॉल्स बनने के लिए आसानी हो। और फिर 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर, ये दोनों भी सेम है, आप कन्फ्यूज़ मत होइए, हमने कॉर्नफ्लावर और मैदा डाला है। फिर उसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे गाइस। इसमें हमें पानी नहीं डालना है, ध्यान रखिएगा, बिकॉज वो जो पत्ता गोभी होती है उसमें वो पानी निकलता है, तो हम उसी के हिसाब से, उसके हेल्प से हम इसको बॉल्स बनाएंगे अभी। ध्यान रखिएगा, इसमें आपको पानी नहीं डालना है, हमको इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि हम इसके अच्छे से बॉल बना सके। देखो हमारा ये हो चुका है पूरा गूंद के, तो हमारा तेल भी गर्म हो ही चुका है। तो अभी हम देख लेते हैं कि हमको बॉल्स कैसे बनाने हैं गाइस। तो हमने जैसे ही छोटा सा टुकड़ा लिया, अभी हम उसको लेंगे और ऐसे अप एंड डाउन मोशन में ऊपर नीचे करेंगे। ऊपर नीचे करने से क्या होगा गाइस, वो गोल शेप में आ जाएगा। मैं जैसे आपको वीडियो में दिखा रही हूँ सेम उसी प्रकार आपको करना है, इसमें ज़्यादा जोर नहीं लगाना है आपको। देखो गाइस, मेरे मंचूरियन बॉल्स रेडी हो चुके हैं। तलने के लिए हम ऐसा न्यू ट्रिक लगाएंगे गाइस, हमको ऐसे स्पून पे ऐसे मंचूरियन हमको 3-4 रख देने हैं और ऐसे डिप कर देने हैं। और इसको अच्छी तरह से हमें इसे हाई फ्लेम पे करना है, तो ध्यान रखिएगा ये स्पून हिलाते रहना, नहीं तो वो चिपक जाएगा। गाइस हमको इसको डार्क रेड होने तक इसको तलना है। देखो गाइस हमारे मंचूरियन कितने रेड लग रहे हैं। गाइस मैंने बाकी के मंचूरियन भी ऑफ कैमरा तल लिए हैं। गाइस कितने मस्त लग रहे हैं ना, कैन यू सी दिस। हम ग्रेवी बना लेते हैं, उस प्रोसेस की तरफ हम बढ़ते हैं अभी आगे। और एक बात गाइस, जो हमारा ये तेल बचा हुआ है इसको आपको फेंकना नहीं है, आप इसको रोटी में भी यूज़ कर सकते हैं। हमने उसमें से तेल, वही तेल हमने रीयूज़ किया है, बट ज़्यादा हो गया था तो हमने ये 1 चम्मच जितना, हमने 1 बड़ा चम्मच जितना तेल डाला है अभी इसमें। तो अभी हम इसमें जो बचा हुआ, हमने जो अदरक लहसुन का पेस्ट रखा था, अभी हम उसमें ऐड कर देंगे। और फिर इसको हाई फ्लेम पे ही करना है गाइस। और हमने ये प्याज और कैप्सिकम हमने डाल दिया है, हमने इसमें डाला है अजीनोमोटो, ताकि वो चाउमीन जैसा फील आए और मस्त टेस्ट आए। तो गाइस हमको इसको हाई फ्लेम पे चलाते रहना है, और ध्यान रखिएगा हमको इसको पूरा पकाना नहीं है, क्योंकि जो हम बाहर मंचूरियन खाते हैं उसमें थोड़ा कच्चापन होता है, राइट। इसको ज़्यादा कच्चा भी नहीं रखना है और ज़्यादा पकाना भी नहीं है, तो मीडियम पकाना है। करेंगे 1 चम्मच जितना लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच सॉल्ट, हम 1 टीस्पून जितना इसमें विनेगर डालेंगे, ज़्यादा नहीं। और फिर अभी हम सोया सॉस डालेंगे, ये मैं अंदाजन डाल रही हूँ, बट आपको एप्रॉक्स 1 चम्मच जितना डालना है, या उससे भी थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं। फिर ग्रीन चिली सॉस, देन रेड चिली सॉस। गाइस ये अमाउंट आप आपके हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं, पर ज़्यादा मत डालिएगा। तो फिर हम इसमें सॉस डाल देते हैं, हमको काफ़ी पसंद है गाइस, तो हमने ज़्यादा थोड़ा डाला है। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो इसको थोड़ा सा जैसे ही हो जाता है, फिर हम इसमें सेजवान चटनी ऐड करेंगे। गाइस मैंने पूरा ये पैकेट डाला है, क्योंकि इसमें इतना तीखा बिल्कुल नहीं था, हमको लगा कि तीखा होगा बट इतना नहीं था, तो आप भी पूरा पैकेट डाल सकते हैं। जैसे ही ये हो जाता है, हमको ये लो फ्लेम पे करना है। जैसे ये हो जाता है, हम इसमें 1 ग्लास जितना पानी डाल देंगे, इससे ज़्यादा नहीं डालना है आपको, अगर फिर नहीं तो काफ़ी पानी हो जाएगा, हमको ग्रेवी नहीं मिलेगी। तो इसको हम अच्छी एक उबाल आने देते हैं।
सो गाइस हमें इसको ग्रेवी का टेक्सचर देना है, तो अभी हम एक कटोरे में 2 चम्मच जितना कॉर्नफ्लावर डालेंगे और फिर हम इसको थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि हम वो और जो इसके लम्स होंगे ना कॉर्नफ्लावर के, ये आपको हटा देने हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। देखो गाइस इसमें कोई भी लम्स नहीं है, तो हमारी ये मंचूरियन की जो ग्रेवी का जो पानी था उसमें भी अच्छा उबाल आ चुका है। तो अभी हम इसकी कंसिस्टेंसी थिक करने के लिए इसमें ये डालेंगे कॉर्नफ्लावर का पेस्ट बोल सकते हैं। सो हम इसको अच्छी तरह से अभी मिक्स कर लेते हैं। इसको लो फ्लेम पे करिएगा गाइस। अभी देखिए गाइस इसकी कंसिस्टेंसी अभी ऐसे है, थोड़ी देर बाद इसकी अच्छी उबाल आ जाएगी तो इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से दिखेगी। कैन यू सी द डिफरेंस? सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो अभी हम इसमें मंचूरियन बॉल्स डाल देंगे, हमें एक साथ डाल देने हैं सब। जैसे ही डाल दें हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। धीरे कर कीजिएगा गाइस, नहीं तो हमारे मंचूरियन बॉल टूट जाएंगे। और इसको हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, लो फ्लेम पे 5 मिनट तक इनफ होगा, नहीं तो ये हमारे बॉल्स टूट जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। ये थोड़ी देर में ये जो हमारे मंचूरियन बॉल्स होते हैं ना वो बड़े हो जाते हैं। आप देखिए ध्यान से, अगर आपको वीडियो नहीं दिख रहा होगा तो आप वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हैं। हमारा मंचूरियन पूरी तरह से रेडी हो चुका है, तो अभी हम इसमें कटोरी में निकाल लेते हैं और सर्व कर देते हैं। तो गाइज आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। At the end, I just wanna say this, stay tuned with my channel. You're gonna see these more recipes like this. Thank you so much for watching.